लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह सठे साठम समाचारे जैसे को तैसा खा लो ठंडे, ठीक है? नहीं वो देख लेंगे। और दूसरी बात ये है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर किसानों पर दिए गए बेतुके बयान को लेकर चर्चा में हैं। हरियाणा के सीएम का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हर इलाके से 1000 लठ वाले किसानों का इलाज करेंगे। इतना ही नहीं, सीएम ने आगे कहा कि उठा लो लठ, उग्र किसानों को तुम भी जवाब दो, देख लेंगे, 2-4 महीने जेल में रह आओगे तो बड़े नेता बन जाओगे। इसके अलावा सीएम खट्टर ने कहा कि जमानत की परवाह मत करो। चंडीगढ़ में किसान मोर्चा के कार्यक्रम में सीएम खट्टर ने ये बात कही। लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह सठे साठम समाचारे जैसे को तैसा खा लो ठंडे, ठीक है? नहीं वो देख लेंगे। और दूसरी बात ये है, बता दें कि सीएम खट्टर के इस बयान के बाद अब कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार होने लगे हैं। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा ने ट्वीट कर लिखा है, मुख्यमंत्री जी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ कुछ लोगों को सरेआम भड़का रहे हैं और हिंसा करने की बात कर रहे हैं, ये अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। यदि ये वीडियो अनएडिटेड है तो क्या यही भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा है? वहीं दिग्विजय सिंह ने भी खट्टर के बयान को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि क्या किसी मुख्यमंत्री को इस प्रकार का भड़काव बयान देना चाहिए, मैं उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं। उधर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि भाजपा समर्थक लोगों को आंदोलनकारी किसानों पर लट से हमला करने, जेल जाने और वहां से नेता बनकर निकलने का आपका ये गुरु मंत्र कभी कामयाब नहीं होगा।